चीनी अरबपति जैक मा और सरकार को लेकर बड़ा खुलासा। पिछले दो महीने से लापता अलीबाबा ग्रुप के मालिक जैक मा कहाँ हैं? ये अभी तक किसी को नहीं पता। इसी बीच अमेरिका अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में उस वजह का खुलासा करने का दावा किया गया है, जिसके चलते जैक मा रहस्यमय तरीके से लापता कर दिए गए हैं। न्यूज वेबसाइट वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन चाहता है कि जैक मा अपनी जिंदगी भर की असल कमाई यानी अपनी कंपनी के यूजर्स के सभी डाटा उसे सौंप दें। इसके लिए चीनी एजेंसियां काफी समय से जैक मा पर दबाव बना रही हैं। शुरू में जैक मा ने इस दबाव का विरोध किया, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना होने के बाद उनके पास बहुत कम विकल्प बचे थे। जैक मा के पास 1 अरब लोगों का डाटा है। वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार चीनी अधिकारियों का मानना है कि जैक मा के कंट्रोल वाला एंट ग्रुप चीन के वित्तीय सिस्टम को खराब कर रहा है। इस कंपनी के पास लोगों की आदतों से लेकर कर्ज लेने और चुकाने का पूरा डाटा है। कंपनी इन्हीं डाटा के जरिए लोन के लेन देन में बिचौलिया की भूमिका निभाकर बिजनेस में फायदा उठाती है। जैक मा अपने अलीपे ऐप के जरिए लोन का लेन देन करते हैं और बिचौलिया बन फायदा कमाते हैं। उनके पास करीब 1 अरब लोगों के खर्च करने की आदतें, उधार व्यवहार, बिल भुगतान और ऋण संबंधी हिस्ट्री का डाटा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एंड ग्रुप ने करीब 0.5 बिलियन लोगों को कर्ज दिलवाया है और करीब 100 बैंकों से इस फंडिंग का बड़ा हिस्सा लिया है। यानी जैक मा बिचौलिया बनकर अपने ऐप के जरिए लोगों को बैंक से लोन दिलवाते हैं। इससे चीन में डिफॉल्टर होने का खतरा भी बढ़ रहा है। बता दें कि एंड ग्रुप ने भारत के पेटीएम में भी निवेश किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने जैक मा के इस बिजनेस मॉडल को बदलने की कोशिश की, लेकिन जैक मा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद चीन ने जैक मा की ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और उसकी शाखा एंट ग्रुप पर कार्रवाई शुरू की। चीन के मार्केट रेगुलेटर का कहना है कि उसने अलीबाबा के खिलाफ बाजार पर एकाधिकार कायम करने संबंधित कोशिशों की वजह से कार्रवाई शुरू की है। चीन सरकार की कार्रवाई से वहां की कंपनियों को 2 दिन में करीब 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। बता दें कि जैक मा ने अक्टूबर में चीन के वित्तीय नियामकों की इस बात के लिए लताड़ लगाई थी। वो जोखिम लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्होंने चीन के बैंकों पर सूदखोर सेठों जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। उनका इशारा इस तरफ था कि चीनी बैंक बिना कोई चीज गिरवी रखवाए कर्ज नहीं देते। गौरतलब है कि चीन में ज्यादातर बैंक सरकारी हैं, इसलिए उनकी टिप्पणियों को सीधे सरकार के खिलाफ कही बात माना गया है। इसके बाद चीनी सरकार की ओर से कार्रवाई शुरू की गई, जिससे जैक मा की संपत्ति बीते 2 महीनों में $11 अरब कम हो गई है। इसी तरह की खबरें जल्द से जल्द पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वदेश में।